दोस्तों बात करने वाले एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी के बारे में। यह जो है नवोदय विद्यालय समिति यानी NBS के तरफ से जो निकल कर आ रही नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास, ITI पास, कई तरह के वेरियस पोस्ट पे आपके भर्ती निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि MTS की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें आप देखेंगे तो मेस हेल्पर की वैकेंसी रहने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, स्टोनोग्राफी की वैकेंसी रहने वाली है, ASO की वैकेंसी रहने वाली है। इस तरह से वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 10वीं पास पे, 12वीं पास पे, ग्रेजुएशन पास पे, ITI पास पे। हर तरह कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपका जो है ना सेंट्रल जॉब आपको माना जाएगा। ये आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आप एक सेंट्रल कर्मचारी कहलाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा जो है ये भर्ती निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके जो है इसकी पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी जो PDF को हाईलाइट कर रखा हुआ है ताकि मैं आपको जो है आसानी से समझा सकूं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अब देखिये यहाँ पे बताया गया है ये जो है रिक्रूटमेंट जो है नॉन टीचिंग पोस्ट पे रहने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी, मतलब जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही फॉर्म भरेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों लोग फॉर्म भरेगा, मतलब सिर्फ इस वाले पद पे फीमेल भरेंगे, बाकी सभी पद पे मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की वैकेंसी है, ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर में, मतलब जवाहर नवोदय जो कैडर होता है उसमें, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब टेक्नीशियन, मेस हेल्पर, MTS की वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका और भी वेरियस पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके। ये जो डिपार्टमेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है NBS आता है। तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे रहने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट नेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैडर दिया गया, ये सब जितने पद है इसमें आपको जो है हेडक्वार्टर और RO दोनों जगह वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये सब जो पद है आपको JNV में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ बोला गया है कि एक चीज की द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया, मतलब आपकी जब जॉब होती है ना तो आप इंडिया किसी भी जगह में पोस्टिंग किए जा सकते हैं। अब ये नहीं आपको मिलेगा कि हम यहीं पे जाएंगे, नहीं, आप कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकते हैं, तो ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। अब यहाँ बात करें स्टाफ नर्स की वैकेंसी, तो आप देखेंगे तो 121 पद है जो कि शानदार पद है, सैलरी लेवल बहुत ही जबरदस्त, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद से देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 5 पद है और असिस्टेंट के 12 पद है, हम आगे क्वालिफिकेशन वगैरह एज लिमिट भी डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के 4 पद है, लीगल असिस्टेंट के 1 पद है, स्टेनोग्राफी के देखेंगे तो 23 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है 2 पद है, कैटरिंग सुपरवाइजर के देखेंगे 78 पद है, ये सब ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है। जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी 21 पद है। इसके बाद आप देखेंगे जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि आपका कैडर JNV कैडर में 336 पद है, तो ये बहुत ही ज्यादा पद इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की वैकेंसी 128 पद है, लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के 161 पद है। इसके बाद देखेंगे तो मेस हेल्पर के 442 पद है, तो इसमें भी आपको देखेंगे सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। मल्टीटेक्स स्टाफ 19 पद यहाँ पे आपके रहने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास पे हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपको विकलांग पर्सन के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई बंदा फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरना चाहता है, ये सिर्फ फीमेल यहाँ फॉर्म भरेंगी, तो BSc नर्सिंग होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से तो फॉर्म भर सकता है। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, आपकी मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष है। इसके अलावा अपर एज में छूट मिलेगा, सबको मिलने वाला है, जैसे कि SC ST सॉरी सभी, मतलब वैकेंसी में SC ST को जो है आपका 5 साल का छूट मिलेगा और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। अपर एज में ध्यान रहे, तो जो भी यहाँ पे एज लिखा गया ना उसमें अपर एज आप ये लगा लीजिएगा, इस कैटेगरी से आते हैं इतना का अपर एज का छूट मिल जाएगा हर वैकेंसी में, सिर्फ एक वैकेंसी में नहीं, तो आप ये मान के चलेंगे सभी वैकेंसी में इतना का छूट रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का अपर एज में छूट रहता है। इसके अलावा देखेंगे क्वालिफिकेशन में, तो रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो लेवल 6 की सैलरी है, आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो तो फॉर्म भरेंगे, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव में, फाइनेंशियल में, तो आप फॉर्म को भरेंगे। ऑडिट असिस्टेंट में लेवल 6 की सैलरी, 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा बोली गई है, और इसमें BCom आपको बोला गया है, डिजर्वल बोला गया कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भरेंगे। डिजर्वल में क्या है कि अगर आपके पास है तो भी सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके वजह से जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लेवल 6 की सैलरी है, मैक्सिमम उम्र 32 वर्ष है,
और मास्टर डिग्री बोला गया किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट के लेवल 6 की सैलरी है, 23 से 35 वर्ष की उम्र सीमा है, डिग्री इन लॉ है तो आप फॉर्म भरेंगे और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। कुछ कुछ पद में एक्सपीरियंस बोला गया, कुछ कुछ पद में एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी लेवल 4 की सैलरी, 18-27 वर्ष की उम्र सीमा है और यहाँ पे देखेंगे 12वीं पास है और आपको डिक्टेशन 10 मिनट पर सेकंड के हिसाब से आती है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट आपको यहाँ पे, तो आप फॉर्म भरेंगे। ट्रांसक्रिप्शन 50 एमटीएस, इंग्लिश 65 एमटीएस और कंप्यूटर, तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो ये एक स्पेशल स्किल्स होता है जो स्टेनोग्राफी करते हैं उनको पता होगा, तो ये आप यहाँ पे जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसक्रिप्शन, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप 12वीं पास है तो फॉर्म भरेंगे। इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखे हुए तो फॉर्म भर सकते हैं, या बीबीटेक अगर कर रखा हुआ कंप्यूटर साइंस से आईटी से तो फॉर्म भरेंगे। इसके से कैटरिंग सुपरवाइजर के देखेंगे, लेवल 4 की सैलरी, मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, यानी एचएमटी आपने कर रखा हुआ होटल मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। या आपने जो है ट्रेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, सर्विस आपने डिफेंस में कर रखा हुआ है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के देखेंगे तो लेवल 2 की सैलरी है, इसमें आपको देखिए बोला गया 12वीं पास है तो फॉर्म भरेंगे, 18-27 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या बोला गया 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आनी चाहिए, कोई एक टाइपिंग आपको आती है तो फॉर्म भरेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद है जो कि एचक्यू और आरओ कैडर में। इसके बाद से ये भी बोला गया और में कि अगर आपने 10+2 सीनियर सेकेंडरी से पढ़ रखा हुआ है और आप ऑफिस मैनेजमेंट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। डिजरेबल में आप देख सकते हैं ये है तो भी जरूरी है, मतलब भर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12वीं पास बोला गया है, ये भी आपका जो है जेएनवी कैडर में रहने वाला है, लेवल 2 की सैलरी, 18-27 वर्ष की उम्र सीमा है, टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या जो है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आप जानते हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी, लेवल 2 की सैलरी, 18-40 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। आप 10वीं पास होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में कोई एक, और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या वायरिंग प्लम्बिंग में। डिजेबल में बोला गया कि जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस हम देंगे। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी, 18-30 वर्ष की उम्र सीमा है और 10th पास आप हैं या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। या में बोला गया कि 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट में दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। मेस हेल्पर की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी, 18-30 वर्ष की उम्र सीमा है, इसमें आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल मेस, एंड आपको जो है स्किल टेस्ट आनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब नीचे इन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस बोला गया है और यहाँ पे मैट्रिक पास बोला गया है। एमटीएस की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी मिले आपको यहाँ पे मिलेगी, 18-30 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया, 10वीं पास है, इसमें कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफिकेशन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं पास। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल यहाँ पे जो है बता दिया गया है। अब यहाँ बोला गया जो भी कट ऑफ होगा आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस डेट को काउंट करे जाएंगे। अभी जो है इसका लास्ट डेट नहीं है फॉर्म भरने का, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन जो इन्होंने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने दे दिया हुआ है। देखिए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे तो जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको पब्लिश डेट दिया गया है, नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आ चुका है, तो ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो लास्ट डेट पे आपका जो भी एज है क्वालिफिकेशन है फुलफिल आप कर रहे हैं तो फॉर्म को भरेंगे। जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी अपना क्लेम करना चाहते हैं वो सेंट्रल लेवल का जो है ओबीसी एनसीएल बनवा लेंगे। इसके अलावा जो भी एसएससी से आते हैं वो अपना जो है एसएससी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब बनवा लेंगे। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कैंडिडेट्स जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस में वो अपना जो है क्लेम कर सकते हैं और उनको जो फाइनेंशियल ईयर जो है लेटेस्ट वाला ही उनको बनवाना होगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बताया गया कि मोड ऑफ सिलेक्शन तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बेस पे आपका होगा एंड इंटरव्यू के बेस पे, लेकिन जो आपका जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का यहाँ पे जो है क्राइटेरिया रखा गया है, बाकी सभी पद में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम आपको देना होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर कंप्यूटर ऑपरेटर कैटरिंग लैब असिस्टेंट एमटीएस ये जो सब पद हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा।
लेकिन लीगल असिस्टेंट पद सिर्फ आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन साथ साथ आपको इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इसमें दो प्रोसेस है सिलेक्शन का और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे जिनका स्किल टेस्ट है वो तो होगा ही होगा, जैसे टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या कैटरिंग वाले के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, उन सबको जो स्किल टेस्ट देना होगा रिटर्न एग्जाम देने के बाद से। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि ये बता दिया गया कि किसमें किसमें स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि देखेंगे आपका इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर, मेस हेल्पर, जो भी कैंडिडेट मतलब शॉर्टलिस्ट होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बेस, उनको जो है ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और सिर्फ ये नेचर इन क्वालिफाई होगा। इसके बाद से देखेंगे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, तो हर एक राज्य में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे और ये वैकेंसी ऑल इंडिया है, तो ऑल इंडिया आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे सिटी यहाँ दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो इतने सारे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखेंगे बिहार में इतने सारे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। आप च्वाइस करेंगे फॉर्म भरते समय कि आपको कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए। आप जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा ना, हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे तो आपका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, ये पार्ट फोर यानी चार पार्ट की वैकेंसी यहाँ पे मतलब यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, जिसमें पहला पार्ट में रीजनिंग रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। यहाँ आपको जो 2.5 घंटे के समय आपको मिलने वाले हैं इन सभी को सॉल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 10 मार्क्स आपको रहेंगे। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के 70 मार्क्स आपको, मतलब 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। टोटल आपको 120 जो है, यानी जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ स्टाफ नर्स, तो स्टाफ नर्स के 70 क्वेश्चन रहेंगे। देख रहे ना, ये है 120 मार्क्स, 120 नंबर। तो 2.5 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसओ की वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है, 2.5 घंटे समय मिलेंगे आपको सबको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पार्ट 5 तक जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें सब चीज आपको बता दिया गया है। ऑडियो असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये रहने वाला एग्जाम पैटर्न, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के देखेंगे तो ये सब आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इनको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सॉल्व करने, 2 घंटे आपको इसमें समय मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जो है, इसमें आपको 3 घंटे का जो है ड्यूरेशन रहेगा सॉल्व करने के लिए। इसमें आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो रहे हैं 150 मार्क्स के, इसीलिए 3 घंटा कर दिया है। स्टेनोग्राफर का देखेंगे तो वही आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर देखेंगे तो इसमें 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के, 2.5 घंटे समय। कैटरिंग सुपरवाइजर के देखेंगे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने 120 मार्क्स के, इसमें भी 2.5 घंटे आपको समय मिलेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं अपना जो भी पद पे फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें जो है एग्जाम पैटर्न है वो आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है और भी अलग अलग पद के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एमटीएस वाला देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय मिलेगा। अब ये जो भी जानकारी है फ्रेंड्स, एग्जाम डिटेल शेड्यूल आपको जो इसी वेबसाइट से आएगा, कभी इसका एग्जाम होगा, तभी जो डिटेल एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी एग्जाम ये कंडक्ट कर लेते हैं अगर हम पिछले वैकेंसी के मुकाबला देखें तो। अब आपको फॉर्म भरना इसी वेबसाइट से, फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में ही आपको जो है एक्सेप्ट करे जाएंगे, कोई अदर मीन्स में आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस हम एक अलग से वीडियो में लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको कॉस्टली देखने को मिलता है, ये नवोदय विद्यालय जब भी वैकेंसी निकालता है आपको इतना ही रुपया एप्लीकेशन फी देखने को मिलता है, मतलब एप्लीकेशन फी इनका बहुत ही ज्यादा होता है। देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपया आपको एप्लीकेशन फी है, जो कि आप देख सकते हैं। एक इसके लिए तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससीएसटी विकलांग के लिए देखेंगे तो इनका एप्लीकेशन फी जो है 500 रुपया है। अगर हम बात करें इन सब पद के लिए, तीन सब पद के लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससीएसटी के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन फी है। तो ये इनका एप्लीकेशन फी का सेक्शन रहता है और ये महंगाई होता है हर साल इतना ही के आसपास जो है एप्लीकेशन फी रखते हैं। बात करें जनरल रजिस्ट्रेशन की तो देखिए यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/4 का सभी, मतलब जो भी पोस्ट है सबके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और फॉर्म भरने के बाद से कोई अगर गलती पाया जाता है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी 7 नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिख रखा हुआ है। तो फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान देना है, फॉर्म में गलती नहीं करना भरते समय। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में, आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपको इस भर्ती की जानकारी देखना है, अपने स्तर से पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वेबसाइट से भी आप इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट होते ही हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।